स्क्रैच जूनियर को सिस्टम पे डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोलना है और वहां पे लिखना है स्क्रैच जूनियर फॉर डेस्कटॉप। ठीक है, तो जैसे ही आप इतना लिखेंगे तो ये सेकंड ऑप्शन जो आ रहा है ना, ओपन सोर्स कम्युनिटी कोड, इस पर ही क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद अगर नहीं भी आता है ये ऑप्शन तो भी आप क्लिक कर दीजिए स्क्रैच जूनियर फॉर डेस्कटॉप, तो भी यही खुलेगा। जो पहला ऑप्शन है ये गिटहब का जो वेबसाइट है उसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट खुलेगी और कुछ इस तरीके से इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगा। क्योंकि स्क्रैच जूनियर हम क्लासरूम में पढ़ाना चाहते हैं, स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तो सबके पास मोबाइल या टैबलेट होना पॉसिबल नहीं है, जबकि स्कूल में कंप्यूटर्स प्रेजेंट है। तो अगर मैक की कंप्यूटर है आपके पे, लैपटॉप या कंप्यूटर है, तो आप ये वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए, मैक मतलब एप्पल का। और अगर आपके पास विंडोज है तो आप ये वाला क्लिक करिए। इस पे क्लिक करने के बाद ये कुछ सेकंड का टाइम लेगा डाउनलोडिंग स्टार्ट करने में। देखिए इस तरीके से डाउनलोड मेरा आ गया। आपका नॉर्मल तरीके से भी डाउनलोड हो सकता है, बिकॉज मेरे में इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है, तो इसलिए मेरा ये बड़े आसानी से डाउनलोड हो जा रहा है। डाउनलोड होने के बाद मैं दिखाता हूं किस तरीके से ये दिखेगा और आपको क्या प्रोसेस करना है। यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दी हुई है कि ऑफलाइन मोड पे ये काम करेगा, सेम ऐप है, किस तरीके से है, सारी की सारी चीजें इस पे काम करेंगी। ओपन फोल्डर पे क्लिक करिए और देखते हैं ये किस तरीके से ये दिख रहा है। देखिए ओपन फोल्डर पे क्लिक करने पे ये स्क्रैच जूनियर का जो सेटअप है कुछ इस तरीके से दिख रहा है। व्यू चेंज करने के लिए यहाँ नीचे डाउन डाउन साइड में मैं ये क्लिक करता हूँ, ये आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये इसका आइकन, इस बार यहाँ कैट की जगह टेक का आइकन है, इस पर डबल क्लिक करिए और ये इंस्टॉलेशन के लिए आपसे ऑप्शन पूछेगा। पहली बार ये आप अपने सिस्टम में डाउनलोड कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये थोड़ा समय लेगा, कुछ सेकेंड से लेकर के 1 से 1.5 मिनट का समय भी लग सकता है आपके कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। देखिए अब ये जो ऑप्शन है ये आपको कुछ ज्यादा ही समय के लिए ये इस तरीके से आ सकता है, ज्यादा मतलब कि मैक्सिमम 1 से 2 मिनट तक, या कभी कभी थोड़ा और समय लग जाता है, बट ये कंप्लीट होने के बाद आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए मेरे में इंस्टॉल हो चुका है और अभी ये स्क्रैच स्लोली स्लोली ओपन हो रहा है, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है तो थोड़ा सा समय ले सकता है। मैं बाकी की स्क्रीन को मिनिमाइज कर देता हूं ताकि हम फुल स्क्रीन पे इसको देख सकें। इस तरीके से ये स्क्रैच जूनियर डेस्कटॉप के लिए आ गया। फुल स्क्रीन करिए, सेम ऑप्शंस जो आपको स्क्रैच जूनियर की एप्लीकेशन ने पूछा था, स्कूल, होम या अदर्स, तो मैं यहाँ होम पे क्लिक कर देता हूँ और फिर वही आपको ऑप्शन होम पे क्लिक करके नए स्प्राइट्स पे या नए एनिमेशंस पे काम करना है। होम पे क्लिक करिए वापस से, थोड़ा सा फर्स्ट टाइम में हो सकता है थोड़ा समय ले, उसके बाद एक बार दो बार आप इस पे काम कर लेंगे तो ये नॉर्मल किसी भी एप्लीकेशन की तरह ओपन होना शुरू हो जाएगा। सारे ऑप्शन सेम है, होम का ऑप्शन, क्वेश्चन मार्क के ऑप्शन में, यहाँ पे कुछ इसमें वीडियोस और सैम्पल प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं। सेम सेटिंग में जाकर के आप यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। बुक के ऑप्शन में जाकर के आप स्क्रैच के बारे में पढ़ सकते हैं, इंटरफेस गाइड के बारे में, एडिटर के बारे में, ब्लॉग्स के बारे में सब जान सकते हैं। एक थोड़ा सा चेंज यहाँ पर जो है कि जब भी आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इस बार कैट का ऑप्शन ना दे करके ये टिक का ऑप्शन देगा। टिक जो एक और कैरेक्टर यहाँ पर होता है उसका ऑप्शन आएगा, यहाँ पे कैट का ऑप्शन नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर इनफैक्ट अगर आप नए कैरेक्टर में खोजना भी चाहेंगे तो आपको वो स्क्रैच जूनियर वाली कैट नहीं दिखाई देगी जैसे कि होती है। कुछ कैरेक्टर्स चेंजेस भी हैं इसमें, लेकिन ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें इसमें सेम है, तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसमें और उसमें, एकदम सिमिलर है। एक और प्रॉब्लम जो डेस्कटॉप वर्जन में आती है कि इसमें शेयरिंग का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे आप येलो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप प्रोजेक्ट को शेयर नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे आता था ना शेयर बाय एन ईमेल या ऑप्शंस, तो वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। आप प्रोजेक्ट बना करके सिर्फ और सिर्फ अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं, किसी और को नहीं भेज सकते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्रैच जूनियर को आप किस तरीके से अपने डेस्कटॉप में यूज इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं और नंबर ऑफ एनिमेशंस और गेम्स बना सकते हैं। वापस से देखिए मिनिमाइज करने के बाद ये स्क्रैच जूनियर का आइकन मेरे डेस्कटॉप पे आ गया। डबल क्लिक करके मैं वापस से इसको ओपन कर सकता हूँ जैसे मैं नॉर्मल किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ। देखिए डबल क्लिक करने के बाद इस बार ये थोड़ा जल्दी खुलेगा पहले बार की कंपैरिजन में, बिकॉज फर्स्ट टाइम
हमने इंस्टॉल किया था और वो सारे के सारे फाइल्स को आपके सिस्टम में एडजस्ट कर रहा था। देखिए इस तरीके से खुल गया और आप इसको वापस से यूज कर सकते हैं होम पे क्लिक करके।